वो समझती थी कि मैं तो एक साथ दो काम भी कर सकती हूँ तीन काम भी कर सकती हूँ तो मैं एक क्यों करूँ यू नो आई एम जस्ट एफिशेंट लाइक दैट वो तो इतना अच्छा काम भी नहीं करती और उसको उसको देखो कितना लाइक यू नो सो मैनी ये वो एंड देन आई हैव टू ब्रिंग बैक अंडरस्टैंडिंग के हर किसी की लाइफ कंज्यूम करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं टाइम और एनर्जी लगाते हैं आप कुछ नहीं सीखते इज अ लॉट ऑफ लर्निंग दे पूरे पूरे कार्टन संभाल के रखना कि ये उसने फर्स्ट ट्रिप पे पहना ये उसने वो करा It's not going to help you, it's not going to help anyone else. If there is a sale, it does not mean that I have to go shopping. I have pieces in my wardrobe which are not available, but then I'm using them. Mono tasking. This is the concept that I've learned recently. It's आई थिंक आई लिव्ड ऑल माय लाइफ लाइक दिस कि मैं टीवी चल रहा है सामने लाइक जो मेरा मी टाइम होता था वही होता था कि या टीवी मी टाइम या जनरली आई थिंक आदत है मुझे मल्टी करने की और मैं इसको बड़ा वो समझती थी कि मैं तो एक साथ दो काम भी कर सकती हूँ तीन काम भी कर सकती हूँ तो मैं एक क्यों करूँ यू नो आई एम जस्ट एफिशेंट लाइक दैट बट आई वॉज सरप्राइज़ टू नो कि दुनिया में शायद आई थिंक टू परसेंट लोग हैं जो मल्टी कर सकते हैं बाकी हम सब ज़बरदस्ती कर रहे हैं सो मे बी मैं उन टू परसेंट में से हूँ बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ के आई डोंट नीड टू बी फ्राम मतलब आई डोंट नीड टू डू दिस क्यों मैं मल्टी टास्क करूँ तो सिचुएशन ये होती थी कि सामने टी वी चल रहा है और साथ में अपनी कल का डे प्लान कर रही हूँ टू डू लिस्ट बना रही हूँ साथ साथ में मैसेजेस का रिप्लाई कर रही हूँ तो लाइक आई एम डूइंग थ्री थिंग्स एट अ टाइम और मेरी अटेंशन कहाँ है आई डोंट नो मेरा मैं प्रेजेंट किस काम में हूँ आई डोंट नो सो मोनो टास्किंग इज समथिंग दैट आई एम ट्राइंग टू लर्न एंड आई एम यू नो आई एम ट्राइंग टू कमिंग बैक टू दिस आई रिमेंबर वन आई वॉज अ चाइल्ड आई यूज टू आई यूस टू सिट विद माई ड्राॅंग बुक एंड आई यूज टू ड्रॉ समथिंग मेरा आई थिंक उस टाइम कोई न्यूली बॉर्न कजन था एंड वी वर वी यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और उसकी ब्लैंकेट पे कार्टून्स बने होते थे तो आई यूज टू यू नो स्प्रेड दैट ब्लैंकिंग ब्लैंकेट एंड आई यूज टू ड्रॉ फ्राम देट ब्लैंकेट और मैं लिटरली आई थिंक दिन के दो घंटे आराम से बैठ के वो एज़ इट इज़ कार्टून बनाती थी और फिर उसको कलर करती थी एंड ई यूज़ टू इंजॉय दैट सो मच एंड आई वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन इट कि अब तो शायद ज़िंदगी में पता नहीं कितने साल हो गए कि मैंने कुछ इस तरह किया ही नहीं है कि मैंने एक घंटे अलग किए हों और जहाँ मैं बैठ कर सिर्फ आई एम जस्ट इन्जॉइंग वट एम एन्जॉइंग सो दिस इज़ वन यू नो लेट्स से गोल टू बी फुली प्रजेंट इन वट आई एम डूइंग फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम कुकिंग तो मैं उसमें ये मैं करती हूँ वैसे कुकिंग के टाइम कि मैं विदाउट डिस्ट्रैक्शन करती हूँ बट यूजअली बाकी जो काम हो रहे होते हैं लाइक वन एम गेटिंग रेडी तो हेडफोन्स लगे हुए हैं या टी वी चल रहा है बैकग्राउंड में या अगर मैं कोई और काम करूँ ई इवन यू नो वन एट दी एंड ऑफ द डे वन वेर वॉचिंग सम थिंग मी एंड माई हस्बेंड तो ही इज़ ऑन हिज लैपटॉप वो अपना कुछ कर रहे होते हैं और मैं अपना कुछ कर रही होती हूँ तो मतलब वी आर डूइंग थ्री थिंग्स एट अटाइम वे आर वॉचिंग सम थिंग वेर टॉकिंग टू ईच अदर एंड दैन वीर डूइंग आर ओन थिंग ऑल्सो सो मे बी यू नो आई वॉज फोकसिंग ऑन दिस थिंग या तो मैं टी वी देखूँगी या तो मैं वो काम करूँगी या तो मैं बात करूँगी So this is one thing that, you know, I am really interested in uh, learning, ki doing one thing at a time. Acha number six is distractions. Acha so this birthday, my birthday was on Friday. I gave myself a three days detox, social media detox in which I deleted my Instagram, my TikTok, all the applications. And just to, you know, re reflect what I have Ke just to reflect on my choices and my things and everything. But there was this one fair uh, you know it's very easy to fall back into this trap. I was scrolling a lot, I was wasting a lot of my time on social media. and I think I've mentioned this before also, but this is a trap So I was working on the things that you know I can add into my routine and subtract from my routine that can help me use it more. Mindfully, this is definitely one of my uh, goals to use it mindfully, intentionally, and you know, to there is no point in consuming other people's life. Social media brings in a lot of comparison, and I won't say that I feel hota. Mujhe hota there are days where I feel that like, you feel know, so many followers, so many, ye wo, and then I have to bring back. ब्रिंग माई सेल्फ बैक इन टू दू नो काउंसलिंग काउंसल माई सेल्फ और सब कुछ इट्स ओके यू नो इट्स हर थिंगव टू जस्ट फोकस ऑन माई ओन तो वन थिंग अगेन के व लिविंग इन एन एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन देर आर सो मैनी डिस्ट्रेक्शंस सो अंडरस्टैंडिंग हर किसी की लाइफ कंज्यूम करके मुझे कुछ हासिल नहीं होगा और हर किसी का कंटेंट देख के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा सो चूजिंग अगेन आपने क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं करना अनदर थिंग आई वॉज स्ट्रगलिंग विद वॉज यू नो एक्सेप्टिंग दिस चेंज आई थिंक आई वॉज रेजिस्टिंग इट आई थिंक आई वॉज रिजेक्टिंग इट बिकॉज वैन यू फील दट यू आर चेंजिंग यू की दिस इज़ नॉट मी दिस इज़ नॉट द पर्सन आई एम या दिस इज़ नॉट फॉर मी स्लो लिविंग इज़ नॉट फॉर मी माइंडफुल लिविंग इज नॉट फॉर मी और मैंने तो पूरी ज़िंदगी अपनी इस तरह गुजारी है अब मैं कैसे अचानक से माइंडफुल हो रही हूँ आई थिंक द फर्स्ट द वेरी फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंसड दिस चेंज इन मी वॉज वन आई वेंट टू माई सोलो ट्रिप आई थिंक वी हैव अन अदर एपिसोड वी हैव वन एपिसोड ऑन दिस वेर आई वॉज टॉकिंग अबाउट माई सोलो ट्रिप आई took a solo trip last year around this time June July and it was we went into the into mountains टू माउंटेन्स बाटा और मैंने जिंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस किया कि ओके आई लाइक नेचर ओके आई लाइक Silence, okay. I like sitting with my feelings, okay. I like being alone, which was quite a shock to me because I think I used to all my life. And I gave my birthday gift to myself, the solo trip, or I three days detox. I really hope I am able to manage a solo trip this year also, but mushkil not But again, nothing is impossible. वे आर ऑलरेडी टचिंग जून गाइज मतलब छः महीने ऑलरेडी गॉन इन टू दिसर एंड ओनली सिक्स मंथ्स टू गो एंड ऑल्सो मेक्स मी रियलाइज कि हमें पता ही नहीं चलता हम एक ही दिन एक ही तरह से गुजारते रहते हैं एंडलेक्शन आर सम थिंग जो मुझे आई थिंक आई लव डूइंगशन आई लव रिफ्लेक्टिंग ऑन द पास टेकिंग एंड रियलाइज हाव क्विकली वी चेंज एंड वी ग्रो एंड वी सो अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट एज आई वर्सेंगे एम्बरेसिंग द चेंज एक्सेप्टिंग द चेंज अंडरस्टेंडिंग कि इट इज़ ओके टू चेंज वो समथिंग जो मुझे सीखना पड़ा कि ओके लास्ट ईयर अगर मैं ये कर रही थी और मैं ये सब चीज़ें एक साथ कर रही थी और मैं ये सब चीज़ें इंजॉय कर रही थी डज इट मीन आई हैव टू कंटिन्यू बी इंग दिस वे और डूइंग इट दिस वे फॉर एग्जाम्पल माई कॉन्टेंट ऑल्सो चेंजेस जैसे जैसे मैं चेंज होती हूँ तो I found myself forcing into the old pattern, Ki nahin. my audience is used to this this sort of content. yeah my, my audience is used to looking at me this way, but then I'm not bringing in my authentic self in this space if I am catering to the audience's need. I think or it's okay, it's okay if you know I don't feel like doing what I was doing last year and this brings us to. द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कोई चीज़ स्टार्ट की है विच इज़ नॉट वर्किंग वेल फॉर यू और मे बी इट इज़ वर्किंग वेल फॉर यू बट यू नॉट द सेम पर्सन एनी मोर यू डोंट हैव टू कंटिन्यू इट यू डोंट हैव टू फोर्स योर सेल्फ कि यार मैंने इतना पैसा लगाया यार मैंने इतना टाइम लगाया यार मैंने इतनी एनर्जी लगाई है बट उससे आपने सीखा है बहुत कुछ सीखा है ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं टाइम और एनर्जी लगाते हैं आप कुछ नहीं सीखते दिस इज लॉट ऑफ लर्निंग दे और अब जब आप कोई और काम स्टार्ट करेंगे वो एक्सपीरियंस तो आपके साथ है ना वो लर्निंग तो आपके साथ है ना तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है अपना आई थिंक हम इसमें बहुत वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कहते हैं ना डू योर बेस्ट गिव योर बेस्ट ट्राई अगेन ट्राई ट्राई मोर ट्राई हार्डर उसमें हम वो चीज़ें करते रहते हैं जो हमें नहीं करनी एक होता है ना गिव अप करना गिव अप नहीं होता है ये, ये आप डायरेक्शन चेंज होती है बट देन अगेन हर वक्त डायरेक्शन चेंज नहीं करनी होती इससे कोई गलत मैसेज ना लें And last thing is, I want to talk about decluttering. This is something. This was an alien concept to me. where I grew up, there was no concept of decluttering. And then again, I was married into a family where, itna no koi decluttering concept tha. But my, I have learned it from my husband. And I remember when he used to declutter the store, anxiety because I think fear of losing मुझे ये भी चाहिए मुझे वो मेरी ये चीज़ इसके साथ ये मेमोरी अटैच है इसके साथ वो है ये मुझे चाहिए ये आई एम गोना यूज़ इट अगैन ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये आई थिंक हमारे इमोशनल बॉन्डिंग से ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे मैं समझती थी कि यू नो मेमोरीज हैं मैं संभाल के रख रही हूँ ये वो इट ऑक्यूपाई स्पेस इन योर माइंड जितना स्पेस वो आपके घर में लेती है चीज़ आपकी ज़िंदगी में लेती है उतना ही स्पेस वो आपकी माइंड में लेती है फॉर एग्जाम्पल आई वॉज I found it very difficult to give away my son's, you know, बचपन के कपड़े या my daughter's बचपन के कपड़े But then I understood ki we're not using this. You can keep a few pieces for your memories मेमोरीज कि ठीक है ये उसकी बर्थडे का आउटफिट है फर्स्ट बर्थडे का है या फर्स्ट अकीके का है अकीके का है फर्स्ट अकीके का है तो आ, वो आप कर लें बट लाइक पूरे पूरे कार्टन संभाल के रखना कि ये उसने फर्स्ट ट्रिप पे पहना ये उसने वो करा इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी वन So, I've started decluttering since two years, and I think I'm progressing. I'm on a journey, and I am becoming better every day. So, I have like in the days, I have I have decluttering. When we were moving the space, we moved here mid-fab, or during when I moving, I had decluttering. And then we have like two rooms um, at my in-laws' place. उसमें से एक रूम हमने खाली किया वैन वी मूवर बिकॉज वी डोंट वी नो लॉन्गर नीड दैट रूम तो आई रियलाइज कि बिकॉज वी वर लिविंग इन एन अपार्टमेंट बिफोर उधर स्पेस तंग थी एंड दैन अलहमदिल्ला बहुत थी बट दैन वहाँ मेरा स्टूडियो स्टार्ट हो गया एक कमरा कम हो गया तो मैंने हमने क्या किया हम हर चीज़ उठा के यू नो इधर स्पेस नहीं है मतलब कि सिर्फ डेली नीड की चीज़ रखनी है एक्स्ट्रा नहीं रखनी अगर कोई चीज़ छः महीने बाद चाहिए तो वो वहाँ पहुँचा दी and when i started you know decluttering that room i was so overwhelmed i felt so overwhelmed wahan se wo wo cheeze nikli hain jo 6 mahine kya shay maine 6 saal mein bhi use nahi ki hongi but i felt so relaxed i felt so much better when you know i i, I started making curtains. we made like मैंने maine major twice किया है. we went to eidi center this uh, last eida bhi jo guzri hai and i took my kids along It was a beautiful experience the whole process of decluttering and then packing and then you know we wrapped the gifts तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और आई थिंक हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं जितने ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता कि मैंने पूरी जिंदगी नहीं किया मुझे लगता है ये ये बेगेस्ट लर्निंग ऑफ माई लाइफ है यू कैन चेंज यू कैन लर्न यू कैन रीलर्न यू कैन अनलर्न ये कोई बात नहीं होती कि मेरी तो पूरे लाइक मेरे आई थिंक पूरे ख़ानदान में किसी को डिक्लेटरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है ना उन्होंने कभी किया है मेरी अम्मी के आई थिंक अपनी जहेज बरी के जोड़े उन्होंने रखे हुए थे आई वॉट मैरिड एंड आई आई टुक अ फ्यू पीसेज विद नी बट आई थिंक आई एम गोइंग टू सेव माई बारात का जोड़ा ओनली बट रेस्ट ऑफ़ द बरी एंड जहेज के जोड़े आई एम गोइंग टू डो नेट आई एम गोइंग टू गिव अवे बिकॉज आई डोंट नो ट्वेंटी ईयर्स डाउन द लेन मेरी मेरी बच्ची शायद वो यूज़ करे के चक्कर में मैं आज किसी को वो यूज़ करने से महरूम नहीं करना चाहती दिस इज़ अगैन माई ओपिनियन यू कैन हैव अ डिफरेंट ओपिनियन यू कैन इट्स ओके एंड आईसो आई एम ऑल्सो वॉचिंग वीडियोज ऑन मिनिमल मिनिमलिजम एंड आई लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्स्यूल वाड्रोव वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इट इज़ लाइक यू हैव थर्टी थ्री पीसीज इन गोर वॉड्रोप थर्टी थ्री पीसीज एंड दैन यू you use them every day and you you like give away all other which was like wow to me but i think i'm not ready for that step right now maybe she two years down the lane i capsule wardrobe but now, i don't want to overwhelm myself with you know um, pressurizing myself into something that i'm not ready for but definitely uh, right now i think made progress progress yeah i am being वेरी इंटेंशनल विद माई परचेजेस मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती वैसे भी और अब मैं like, like, मैंने उसको और लाइक वो लगाए लाइक एवरी थिंग इफ देर आज अ सेल इट डज़ नॉट मीन कि मैंने जाके जरूर शॉपिंग करनी है आई हैव पीसेज इन माई वॉर्ड्रॉप जो दस साल भी पुराने हैं बट देन आई एम यूजिंग दैम और नो बडी कैंटर वो दस साल पुराने क्योंकि मैं उनका ख्याल बहुत अच्छा रखती हूँ एंड लाइक बीग इंटेंशनल विद माई बाइंग नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू बजट बट बिकॉज आई वॉन्ट टू हैवलैस बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विद लेस सो दैट्स एट फर टडे आई होप यू इन्जॉयड द वीडियो और अगर आप लोग कुछ अपनी जर्नी से शेयर करना चाहते हैं योर रिफ्लेक्शन या इफ़ यू कैन रिलेट टू सम पॉइंट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स पढ़ के आपका फीडबैक सुन के इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक का आई कैन दा दें अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक दें कमेंट करें यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस यू कैन गिव अ सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन के किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हैं होपिंग टू कंटिन्यू सीरीज़ इनशा सो सेंडिंग सो मच लव फ्रॉम माय हार्ट टू योर्स टेक केयर अल्लाफ